परमात्मा हमें फिर याद दिलाया करते कि तुम यहां जहां रह रहे हो यहां कुछ भी तेरा नहीं है। परमात्मा कहते हैं ये झूठा संसारा रे, या मैं कोई नहीं तुम्हारा रे। झूठा मतलब अस्थाई है सारा, और तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब यही जमीन है या ये पृथ्वी इतनी है, और इन्हीं जमीन पर इन किलों पर अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा करा कर अपने का कमर गए, और वो यों की नो रह गिर, वो सारे चले गए छोड़ के इसके यहीं पर। तो परमात्मा कहते हैं ये माया जगदीश की अपनी कहे गंवार, जम पर धक्के खावेगा तेरे सिर पे धरे बेगार। यह सारी माया उस भगवान की है, इसको तू अपनी मान रहा है या तेरी माँ मूर्खता है। तो ये ज्ञान उस परम पिता ने हमारे को आके बताया, और फिर इसका विकल्प बताया कि तुम जहां रह रहे हो ये स्थान रहने का नहीं है, यहां तो तुम ऐसे हो जैसे कसाई बकरे पालता है। अब जैसे परमात्मा किसे कहते हैं, परम आत्मा, अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा वो है जो कभी किसी को दुख नहीं दे, किसी भी कीमत पर दुख नहीं दे, सुख ही सुख देता है, उसको परमात्मा कहते। अब हमने ज्ञान ना होने से हमने इनको परमात्मा मान लिया, इस काल को जो हमें खाता है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है और 1,25,00,000 की उत्पत्ति करता है। तो परमात्मा कबीर जी ने बताया कि तुम यहां ऐसे रह रहे हो धर्मदास, आपकी यहां ऐसी स्थिति है जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए वो सब सुविधाएं देता है, चरागाह बनाता है, उनके लिए शेड झोंपड़ी डालता है, तालाब बनाता है, और 3 सेवक भी छोड़ देता है। जैसे एक तो बाहर से बकरे लावे उसमें छोड़ दे मेल और फीमेल, फिर वो प्रजनन करे, और दूसरा उनका पाली नवावे दवावे, उन्हें खवावे प्यावे खूब मोटे तगड़े कर दे, और तीसरा उन्हें ले जाकर कसाई के कटवा दे हत्थे पे। तो यहाँ इस काल ने अपने तीनों पुत्रों को यह ड्यूटी दे रखी है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी को, और ये तीनों दुखी हैं इस काम से। जैसे देवी भागवत के अंदर भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहा है कि माता यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण युक्त क्यों कर दिया, और ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त क्यों कर दिया। इनको मालूम है कि हमारे कारण ये सारा कुछ हो रहा है। तो कहने का भाव ये है अगर तू दयालु है माता, क्योंकि दुर्गा इस काल से संबंधित है, इसे डर के या कोई भेद इनको सच्चा नहीं बताती, और उसकी व्यवस्था को वो कंट्रोल किए बैठी है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आज तक अपने पिता की वास्तविकता का पता नहीं। अब परमात्मा ने बताया कि जिस समय वो कसाई आता है उन बकरों के उस झुंड में, आता ही रहता है, सारी व्यवस्था देखता है, कह के करवाता है, ऐसा रखो ऐसा करो, सफाई रखो, बकरे बीमार ना हो जाए, तो वो बकरे उसको अपना एक नेक मालिक मान के कसाई को उसके चारों तरफ आ जाते हैं, प्यार करते हैं। कोई कोई तो ऐसे पैरों को उठाकर सीने से लगाना चाहता है बकरा, और वो क्या, वो ऐसे देखता है, वो ऐसे उनके शरीर को छूता है कसाई, और बकरे उसको जीभ से चाटते हैं एक नेक व्यक्ति मान के, और वो ये देख रहा है, ये कह कि लोका हो गया, इसमें मांस कितना का है, और वो इन्हें सोचा ये तेरा खास मालिक है। अब परमात्मा बताते हैं कि तुम इसे ना भगवान मान रहे हो, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल नर इसके पुत्रों ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने। अब
तुम्हारी ऐसी बुद्धि की स्थिति है जैसी उन जीवों की है जो कसाई के बंधे पड़े हैं। अब जैसे हम देखते हैं कितनी बड़ी जमीन पृथ्वी दे रखी है, इसमें बाग बगीचे, फल फ्रूट, मेवा काजू किस्म, सेब संतरे और अन्य कनक जैसे गेहूँ चने ज्वार बाजरा, वो कितने अच्छे दिखाई देते हैं। वर्षा होती है, कभी झरने बह रहे हैं, कभी गंगा जैसी दरिया बह रही हैं, जमीन के नीचे जल गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। तो इस सारी व्यवस्था ने देख कर हमने सोचा है भगवान बड़ा दयालु मालिक है तुम्हारा, हमारी कितनी देखभाल करता है, कितनी केयर टेक करता है। लेकिन हम भूल जाते हैं इसकी दयालुता जब कहाँ गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा होया पड़ा, किसी का कोड लग गया, परिवार का परिवार मर जाता है। तो परमेश्वर ने आकर बताया तुम जरा सा ध्यान दे लो, बस इसमें बात बन जाएगी।